पॉपुलेशन जिहाद, इसका जिक्र आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। ये कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसके मुताबिक देश के सभी मुसलमानों का एक सीक्रेट प्लान है कि बहुत सारे बच्चे पैदा करो ताकि देश पर उनका राज हो जाए। पहले तो सिर्फ सड़क छाप ट्रोल्स इसे फैलाते थे, फिर गोदी मीडिया के एंकर्स और अब तो बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियंस भी इसकी बात करने लगे। असल में बात क्या है, किसी भी तानाशाह को तानाशाह बनने के लिए ऐसी झूठी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलानी पड़ती है ताकि लोगों के अंदर डर बिठाया जा सके। आप पूछोगे क्या सबूत है मेरे पास, 2011 के सेंसस के मुताबिक लक्षद्वीप में 96% लोग मुसलमान है और अगर सभी मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इस जगह का फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट सबसे ज्यादा होना चाहिए देश में, है कि नहीं। लेकिन सरकारी वेबसाइट पर जाकर देख लो, 2020 में जहां इंडिया का एवरेज बर्थ रेट 19.5 पर 1000 है, लक्षद्वीप का बर्थ रेट सिर्फ 14.6 है। NFHS 5 डेटा के अनुसार जहां इंडिया में ऑन एवरेज एक औरत 2 बच्चे पैदा करती है, वहीं लक्षद्वीप में ऑन एवरेज एक औरत 1.4 बच्चे पैदा करती है। इसके पीछे सिर्फ एक मात्र कारण है, फीमेल लिटरेसी। देश की फीमेल लिटरेसी 64.6% पर है 2011 के अनुसार, लक्षद्वीप में 87.9% पर। और जिन स्टेट्स में फीमेल लिटरेसी कम है वहां पर औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, जैसे कि बिहार में 51.5% की फीमेल लिटरेसी के साथ यहां पर ऑन एवरेज एक औरत 3 बच्चे पैदा करती है। बर्थ रेट का किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, इसका सीधा सीधा शिक्षा, एजुकेशन लेवल और लिटरेसी रेट से लेना देना है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में की गई रिसर्च इस चीज को साबित करती है। हिस्टोरिकली मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट हिंदुओं से ज्यादा था क्योंकि वहां जो लिटरेसी रेट था वो थोड़ा कम था। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है, 2022 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। NFHS 5 डेटा के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है और सबसे तेज मुसलमानों में कम हुआ है।